देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं। उससे पहले कहा जाए तो लगातार जो बयानबाजियों का सिलसिला है वो शुरू है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से जो बयान सामने आ रहे थे उसका जवाब आज जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने दिया है। अररिया और किशनगंज की जो बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, तो ठीक बगल में खगड़िया भी है, उसका भी प्रजनन दर जो है वो ज़्यादा है, उस पर क्यों बात नहीं करते? किस तरीके से नीरज कुमार ने आज संजय जायसवाल को घेरा है और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए उनके पूरे बयान। आज के संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, हमारी पार्टी के प्रवक्ता माननीय अरविंद निषाद जी ने इसका प्रथम दृष्टया जो तथ्यात्मक बातें थी उसकी ओर रेखांकित किया है। मैं जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह बड़का झूठा पार्टी उच्चरितार्थ हो रहा है। 14 जून से मैं इनका पीछा कर रहा हूं जनसंख्या नियंत्रण के सवाल पर कि आप जो आंकड़े देते हैं वो सही बात क्यों नहीं बोलते। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी, उन्होंने क्या सुझाव दिया था, आप तमाम लोग मीडिया के लोग इस बात के गवाह हैं कि निजी विद्यालय में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने संबंधी प्रावधान का फायदा उनको दिया जाए जिनका दो या दो से अधिक बच्चा है। हम लोगों ने उस समय कहा था कि यह शिक्षा के अधिकार कानून का सीधा उल्लंघन है, यह वंचित करने की एक साजिश है। दूसरा उन्होंने दिया था कि जिनके दो बच्चे हैं उन्हें भी उतना ही अनाज दिया जाए जिनके और जिनके पांच बच्चे हैं। ये जो खाद्य सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार था उससे वंचित करने की बात थी। तो जब हम लोगों ने पर्दाफाश करके बताया कि कैसे दुनिया के अंदर में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून कैसे नियंत्रण लोग सफल हुए हैं, जब हमने यह बताया कि भाई आप अपने दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भावना का भी सम्मान नहीं कर रहे, अटल जी ने पॉपुलेशन कमीशन बनाया था उसके आलोक में उन्होंने निर्णय लिया कि यह कानून के डंडे से नहीं हो सकता है, यह सामाजिक स्वास्थ्य आर्थिक क्षेत्र में जब तक उन्नयन नहीं होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं होगा, एजुकेशन के क्षेत्र में काम नहीं होगा, तो यह कानून के बदौलत संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दिशा में प्रलाप करती रही है। तो हम भारतीय माननीय संजय जायसवाल जी, आपको हमने आंकड़ा बताया था और भारतीय जनता पार्टी कैसा दोहरा चरित्र अपनाती है, मैं उस दिशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कहते हैं कि हम कानून के पक्षधर नहीं है, तो माननीय संजय जायसवाल जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं फिर इस पढ़ देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैसा चरित्र है कि जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह का मंतव्य बताइए, हेमंत विश्व शर्मा का जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में कहते हैं कि इसके लिए खास समुदाय जिम्मेवार है, बनवारी लाल सिंघल, साक्षी महाराज, लल्लू बैश विधायक सिंगरौली जो खुद 9 बच्चों के पिता हैं, योगी आदित्यनाथ, नीरज कुमार बबलू जो पूर्व मंत्री बिहार के हैं, ओम पांडे, कपिल मिश्रा, और जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री रहे, नीरज कुमार बबलू, हरिभूषण ठाकुर बेचौल, अमरिंदर प्रताप सिंह, रवि किशन सांसद, साध्वी प्रज्ञा भोपाल पूर्व एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा, बंदी संजय कुमार तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष, राजा सिंह विधायक तेलंगाना, राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद बिहार, सीटी रवि, अनिल अग्रवाल, कपिल मिश्रा दिल्ली,
किशोरी लाल मीना राज्यसभा सांसद मंदसौर से सुधीर गुप्ता, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, महेंद्र सिंह सिसोदिया, अश्विनी उपाध्याय, युद्धवीर सेठी, जम्मू कश्मीर। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष कहते हैं कि इसके कानून बनाने के हम पक्षधर नहीं हैं। कैसा भद्दा मजाक करते हैं, ये कैसा दोहरा चरित्र है। क्या भारतीय जनता पार्टी की भाषा अलग अलग नेताओं के अलग अलग सुर हैं? ऐसे सवाल पर भारतीय जनता पार्टी कौन सा नजरिया पेश करती है? और जब हम आंकड़ों का आईना दिखाते हैं उसके बाद ये बोलते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। माननीय संजय जायसवाल जी, आपको फजीहत कराना है अपना। हम आपको आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम लोग सवाल उठाते हैं तब कहते हैं कि कानून की के पक्ष में हम नहीं हैं। इससे झूठ को सच नहीं साबित कर पाइएगा। जनसंख्या वृद्धि के आप जब जनसंख्या वृद्धि के दर का आपके असत्य का हमने पर्दाफाश कर दिया तो अपने आका को खुश कर रहे हैं। वो आका दिल्ली में है कि नागपुर में, आप जानिए। आपने जन्म दर का हवाला दे दिया और धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की, हवा देने की कोशिश की। हम आइए आपको रिपोर्ट बताते हैं। आपने तो अपने